हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे चाइनीज कंपनियों पर कसी जा रही नकेल। दोस्तों, भारत का मार्केट कितना ज्यादा ह्यूज है, मगर भारत को इस चीज का फायदा और नुकसान दोनों ही काफी ज्यादा झेलना पड़ता है। ऐसे कि भारत में आजकल चाइनीज टेक्नोलॉजी मेकर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते भारत के इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना के स्मार्टफोन का प्राइस काफी लो रहता है और वही जगह भारत में मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट कंपैरेटिवली हाई प्राइस में मिलते हैं, जिसके चलते चाइनीज कंपनियां बहुत हाई एडवांटेज में है। मगर हाल ही में सामने आया है कि चाइनीज कंपनी भारत की इकोनॉमी को और भी कई तरीकों से डैमेज कर रही है, जिसकी छानबीन शुरू कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेट के बारे में, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा वीवो कंपनी के 44 लोकेशन पर पड़ी है। बताया जा रहा है कि रेट कहीं न कहीं वीवो कंपनी के द्वारा करे गए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन की वजह से की गई है। ये सभी रेट मोस्टली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में की गई। हालांकि अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये नहीं क्लियर किया कि उनको ऐसे क्या एविडेंस मिले थे जिसके तहत ये रेट की गई है, और तो और अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि रेट के दौरान कुछ पकड़ा गया या नहीं। हम में से बहुत लोग मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब नहीं समझते होंगे, तो बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इलीगल पैसे को लीगल बनाने का एक तरीका है। इसमें इलीगल पैसे को लगातार ट्रांसफर किया जाता है और जब उसके ओरिजिन तक पहुंचने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तो फिर उसे किसी ट्रस्ट के थ्रू या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जिनको नहीं पता कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, तो बता दें कि जैसे भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नारकोटिक्स ब्यूरो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि भारत में हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर नजर रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये पावर भी है कि वे प्रॉपर्टी सीज कर सकता है। बता दें कि वीवो पहली चाइनीज कंपनी नहीं है जो कि ईडी के द्वारा रेड की गई है। इसके पहले शोमी पर भी ईडी ने कार्रवाई करके शोमी का 5,551 करोड़ रुपए सीज कर दिया था, इस आरोप में कि शोमी ने इलीगली इसे अक्वायर किया है। बता दें कि ना ही सिर्फ ईडी बल्कि भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शोमी, ओप्पो, वन प्लस और डिक्सन जैसी कई कंपनी पर रेड कर चुका है फाइनेंशियल फ्रॉड के शक पर।